हेलो दोस्तों, मैं सुरेश शिवलिया और स्वागत है मेरे एसके इलेक्ट्रिक चैनल में। मैं आज बताऊंगा आपको डुअल स्टार्टर की वायरिंग कनेक्शन के बारे में। और जो मेरी वीडियो को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं या फर्स्ट बार देख रहे हैं, कृपया करके उनसे अनुरोध है कि कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आज मैं बताऊँगा किस किस सामान की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि हमारे पास MCB है, हमारे पास एनो पुश बटन है वो चालू करने के लिए। देखिए दोस्तों, ये इसमें एनो लगा हुआ है, हम इसका एनो यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए दोस्तों, ये एनो है। ठीक है, ये दिख रहा आपको, एनो है। ठीक है, और ये इसका ये स्टार्ट करने के लिए है। और ये जो रेड वाला है, ये स्टॉप के लिए है। इसमें NC यूज़ करेंगे दोस्तों। तो ये NC है, और ये मैंने आपको बताया। और ये अपने सामान की जो रिक्वायरमेंट होने वाली है MCB। इसके बाद में ये कॉन्टैक्टर है दोस्तों, इसको ये ऑन ऑफ होता है। आपको कॉन्टैक्टर के बारे में मैंने पहले भी बताया है। ये इसके NC एनो पॉइंट है दोस्तों, एक्सिलरी कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसका NC पॉइंट है, और ये इसका एनो पॉइंट है दोस्तों। ये इसका एनो पॉइंट है, ये नीचे वाला इसका NC पॉइंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे होंगे आपको, और जो कॉन्टैक्ट का जो कोयल है उसमें ये A1 और A2, A1 और A2 दोनों को कोयल में सप्लाई देंगे, उसके लिए है दोस्तों। तो आपने समझ लिया होगा कॉन्टैक्ट के बारे में। नहीं समझा हो तो मेरे वीडियो को आप विजिट मेरे वीडियो में मैंने पहले बनाया कॉन्टैक्ट के बारे में, आप वो देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हम इसका NC में सप्लाई लेंगे। पहले देखते जाइएगा आप इसमें वायरिंग कनेक्शन करके बताएंगे। फुल वीडियो कृपया स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं वायरिंग डायग्राम, आप देखते रहिए। मैंने इसमें फेस और न्यूट्रल मैंने सप्लाई में ले लिए MCB में। MCB के इनपुट में मैंने जोड़ दिया है फेस और न्यूट्रल। ठीक है दोस्तों, और मैं इसमें अभी एक न्यूट्रल कनेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। न्यूट्रल की आवश्यकता हमें कॉन्टैक्टर की कोयल में पड़ेगी, क्योंकि इसकी कोयल 220 वोल्टेज की है, सिंगल फेज की। तो इसमें न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें पहले मैं न्यूट्रल कनेक्ट कर देता हूँ दोस्तों। देखिए, मैं ये इसका जो ये A1 पॉइंट है, और इसमें कोई सा भी जोड़ सकते हैं, फेस और न्यूट्रल, इसमें A1 में या A2 में कोई सा जोड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं इसमें A2 में जोड़ता हूँ इसके अंदर। तो ये मैं A2 के अंदर मैं कोयल की सप्लाई दे रहा हूँ। हाँ दोस्तों, आप देखते रहिए मेरा चैनल एस के इलेक्ट्रिकल। और मैं इसमें ये न्यूट्रल का वायर मैंने कनेक्ट कर लिया है। ये मैंने न्यूट्रल का वायर कनेक्ट कर लिया है, और ये मैंने न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया है इसमें A2 के अंदर। और अभी देख, ये तो हो गया न्यूट्रल का काम। ठीक है दोस्तों, अपन लेंगे यहाँ से फेस उठाएंगे MCB आउटपुट से। ठीक है दोस्तों, तो अपने एक रेड वायर जो मैंने ले रखा है, ये फेस का वायर है, और मैं इसको MCB में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये कनेक्ट हो गया। अब मेरे को क्या करना है कि इसको जो सप्लाई मैंने ली है, तो मैं इसको NC के इनपुट में दूंगा दोस्तों। ये जो मैं NC जो स्टॉप पुश बटन है, उसमें जो NC लगा हुआ है, उसके मैं इनपुट में दूंगा, उसके एक साइड में मैं लगाऊंगा। उसी साइड में लगा सकते हैं, इसमें वैसे नहीं है। ठीक
तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको एक इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। तो ये मैंने इसमें एनसी में मैंने कनेक्ट कर लिया है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं इसमें एक वायर और लेता हूँ, जो क्या करूँगा कि मैं एनसी के दूसरे पॉइंट से, मतलब कि आउटपुट से, दूसरे पॉइंट से आउटपुट से मैं एक वायर कनेक्ट करता हूँ, और ये कनेक्ट कर लेता हूँ मैं इसको। तो ये मैंने कनेक्ट कर लिया है, और मैं इसको छील लेता हूँ, और उसके बाद में ये जो मेरा जो स्टार्ट पुश बटन का जो एनो पॉइंट है, एनो है, उसमें मैं एक इसको जोड़ देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैंने इसको जोड़ दिया है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी दोस्तों। कृपया इसको पूरा देखें वीडियो को, बीच में से अगर आप कट करोगे या स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। उसके बाद में मैं एक वायर और लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये तो एनसी से लगा सकते हैं या एनओ से लगा सकते हैं। ये तो एन किसी मैं वहाँ कनेक्ट कर सकता हूँ या यहाँ कनेक्ट कर, तो मैं यहीं कनेक्ट कर लेता हूँ उसके एनओ में, एनओ के जो इनपुट में है। तो मैंने एनओ को इनपुट में एक वायर और कनेक्ट कर लिया है, ठीक है दोस्तों। अब ये मैं इसके जो अपना ये कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर का जो एक्जिलरी ब्लॉक है, उसके मैं ये एनओ में दूंगा, ठीक है। तो आप देखते रहिए। तो मैंने इसको वायर को छील लिया है, और मैं ये जो है जो तो मैं इसको ये कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर के पर जो आप देख रहे हैं ये इसका एनसी पॉइंट है, ये नीचे वाला एनसी पॉइंट है। तो नीचे वाले में नहीं देना आपको, इसके जो ऊपर वाला है ऊपर वाले में देना है आपको। ये एनो पॉइंट है, एनो पॉइंट में आपको यहाँ से कनेक्ट करना है दोस्तों। तो देख मैं एक बार और फिर आपसे आपको समझा देता हूँ। देखिए मैंने ये वायर लिया, और ये मेरे एनसी पॉइंट में आया, एनसी पॉइंट से मेरे एनो पॉइंट में आ गया, एनो पॉइंट से फिर मैंने कनेक्ट किया वायर, ये मेरे को इसको एनो में देना है। अब मैं इसको एनो में कनेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये मैं इसके एनो में कनेक्ट कर रहा हूँ, ये मैं इसको एनो में कनेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये इसका एनो है कॉन्टेक्टर का, ठीक है दोस्तों। और अब मुझे उसको होल्डिंग के लिए भी, मुझे होल्डिंग जो मैं उसको दबा के दबाते ही उसकी होल्ड हो जाना चाहिए, उस होल्डिंग के लिए मुझे एक वायर देना पड़ेगा। तो मैं उसके एनओ के आउटपुट से उठाया हूँ, ले उससे लिया हूँ और कनेक्ट करके, और मैं इसके दूसरे जो एनओ का दूसरा एनओ का दूसरा पॉइंट है कॉन्टेक्टर का, मैं उसमें दे रहा हूँ, मैं उसमें कनेक्ट कर लिया हूँ। और ये फिर मैं उसको एनओ से और उस कॉन्टेक्टर की कोइल में फेस का वायर कनेक्ट कर दूंगा। तो देख रहे मैं इसके एनओ से कनेक्ट करके कॉन्टेक्टर के, और मैं फिर मैं इसकी जो अपने कॉन्टेक्टर की कोयल है उसमें कनेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए मैं इसमें ये इसका जो A1 पॉइंट है दोस्तों कॉन्टेक्टर का, मैं उसमें कनेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने कनेक्ट कर दिया है इसको, ठीक है दोस्तों। ये अपनी वायर डायग्राम, मतलब कि अपना जो वायर का जो कनेक्शन है, वायरिंग है, वो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा, कि आपको कैसे कैसे ये आपको चालू करना है और बंद करना है। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कैसे चालू करना है, कैसे बंद करना है दोस्तों। तो मैं इसको एमसीबी ऑन करता हूँ,
और मैं इसको ये स्टार्ट करता हूँ। देखो ये होल्ड हो गया अपना और ये बंद हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसे इस ये यहाँ से स्टार्ट हो गया और ये बंद हो गया दोस्तों, ये बंद हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ये ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये डुअल स्टार्टर है, ये आप कहीं भी यूज में ले सकते हैं। ये सिंपल डायग्राम है और